नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज शंखनाद में बहस का मुद्दा है बंगाल में परिवर्तन का शंखनाद। जब से बीजेपी के परिवर्तन रथ का बंगाल में आगाज हुआ है, ममता बनर्जी परेशान है। उनके करीबी नेता पहले ही उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं और अब जो भी वोट बैंक है उस पर बीजेपी ने सेंध लगानी शुरू कर दी। ममता बनर्जी इस कदर परेशान है कि जय श्री राम के नारों से चिढ़ जाती है। बीजेपी कहती है कि ममता दीदी की तुष्टिकरण की नीति अब उन पर ही भारी पड़ रही है। एक तरफ तुष्टिकरण और दूसरी तरफ बंगाल में बम बारूद की नीति। दीदी के राज में बंगाल को इसके सिवा कुछ भी नहीं मिला। बीजेपी का यह दावा है कि बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन रथ से ममता का किला हिलने लगा है। लेकिन इन सब के बीच बंगाल में हिंसा का नया खेल शुरू हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। जय जय श्री राम। हम एक कर देगा, क्या कर देगा, छाई कर देगा। ममता जी ने एक किया, ममता जी ने नहीं किया तो कौन किया? ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया, ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजन मंत्र बोला भी। बंगाल में तुष्टिकरण के खिलाफ जय श्री राम। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तुम्हें हमारे हिंदू धर्म शिखाबे हमरा जे कोनो কাউকে কান ধরে হিন্দু ধর্ম শিখিয়ে দিতে পারি। মা দুর্গা কে জানে না বাংলায় রাজনীতি করবে। বঙ্গাল কা সংগ্রাম পার লাগায়েঙ্গে শ্রী রাম। মা দুর্গা জানে না, মা কালী জানে না, রক্ষা কালী জানে না, চামুণ্ডা কালী জানে না, সিদ্ধেশ্বরী কালী জানে না, সর্বমঙ্গলা কালী জানে না, ভবতারিণী জানে না, ভুবন মোহিনী জানে না, মন মোহিনী জানে না, মহা কালী জানে না, জৌরা কালী জানে না, সারদা মা জানে না, বিশালক্ষী জানে না, বিষ্ণু মাতা জানে না, মাতা দেবী জানে না, সন্তোষী মাতা জানে না। জয় শ্রী রাম। বঙ্গাল মে শ্রী রাম কে নারো কা জয়কারা গুঞ্জ রাহা হে আর মমতা দিদি পরেশান হে। श्री राम के नारों को धार्मिक बताने वाली ममता दीदी पर अमित शाह ने बड़ा प्रहार किया। अमित शाह ने जी हिंदुस्तान से कहा कि वक्त के साथ नारों का अर्थ भी बदल जाता है। जय श्री राम बंगाल में कोई धार्मिक नारा नहीं है। जय श्री राम बंगाल के अंदर तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के खिलाफ आक्रोश है। वो जहां जहां जाएगी जय श्री राम सुनना पड़ेगा उनको। और मैं तो मानता हूं कि उनको उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 23 जनवरी को ममता बनर्जी ने इस साल की सबसे बड़ी सियासी गलती की जब उन्होंने श्री राम का नाम लेने वालों का अपमान कर दिया और अब जय श्री राम बंगाल में जीत का नारा बन चुका है। वहीं बंगाल में बमबाजी हिंसा पर भी अमित शाह ने ममता पर करारा प्रहार किया। बीजेपी का आरोप है कि ममता सेना के राज में बंगाल के अंदर माँ माटी मानुष का नारा बम बारूद और बंदूक में बदल चुका है क्योंकि राज्य की मुखिया ममता बनर्जी मौन है। कंजर्वेटिव माइंडसेट से राजनीति चलाना ये बंगाल की संस्कृति नहीं थी। परिवारवाद चलाना बंगाल की संस्कृति नहीं थी। संस्कृति का हास हुआ है, इसीलिए बंगाल की संस्कृति चुनावी मुद्दा बनी। तो क्या बंगाल अब परिवर्तन मांग रहा है? क्या बंगाल में परिवर्तन की बयार चल रही है? आज जनता आवाज उठा रही है कि ममता राज में बंगाल में माटी का अनादर किया गया और मानुष की रक्षा नहीं की गई। इसीलिए अब बदलाव की आंधी है जिसमें ममता की कुर्सी हिल रही है। आज इसी मुद्दे पर है शंखनाद। तो शंखनाद की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ नेहा जोशी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, महंत विकास मिश्रा धर्मगुरु हैं, ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, समीर आलम साहब कांग्रेस नेता और बादल देवनाथ जी टीएमसी समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा बयान आपको दिखाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने जी हिंदुस्तान के कॉन्क्लेव में बड़ी बातें कही। जय श्री राम कोई धार्मिक नारा नहीं है, जय श्री राम नारा बंगाल में तुष्टिकरण के खिलाफ आक्रोश है, यह कहना अमित शाह का। अयोध्या के वक्त और बंगाल में राम के नारे में अंतर है। ममता जहां जहां जाएंगी जय श्री राम सुनना पड़ेगा, क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनिए। गांव में जय श्री राम ध्वनि को लेकर स्लोगन, एक जनता ने एक जय श्री राम को स्लोगन बना लिया।
इसमें एक आक्रोश भी दिखता है। आपको लगता है कि ये तुष्टिकरण के खिलाफ कोई आक्रोश है? निश्चित रूप से जय श्री राम बंगाल में कोई धार्मिक नारा नहीं है। जय श्री राम बंगाल के अंदर तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के खिलाफ आक्रोश है। नारों का स्वरूप बदलता है। एक नारा वंदे मातरम जो एक जमाने में अंग्रेजों की खिलाफत के लिए था, आज वंदे मातरम देशभक्ति को प्रदर्शित कर युवाओं को भारत को मजबूत करने के यात्रा में जोड़ने के लिए है। नारों का स्वरूप बदलता है। अयोध्या के वक्त जय श्री राम का नारा जो था और यहाँ पर जो जय श्री राम का नारा था, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जय श्री राम का नारा बंगाल के अंदर जिस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति को चरम सीमा पर ममता जी ने पहुंचाया, आपको दुर्गा पूजा करने के लिए भी कोर्ट का सहारा लेना पड़े, सरस्वती पूजा की कार्यक्रम करने वाले रखने वाले शिक्षक की हत्या हो जाए और एक भी अरेस्ट ना हो, किस प्रकार का बंगाल इन्होंने बनाया है। तो आपने सुना अमित शाह को यह कह रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ यह आक्रोश है दरअसल में जय श्री राम का नारा। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के समय जो जय श्री राम का नारा था और अब की बार जो नारा बंगाल में चल रहा है, इसमें काफी फर्क है। बादल देवनाथ जी, जय श्री राम के नारे से दिक्कत क्या है टीएमसी को और दीदी को? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जय श्री राम नारे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 2021 विधानसभा चुनाव के बाद वही अमित शाह को, मोदी जी को, नड्डा जी को, मैं खुद दीदी के पक्ष के बंगाल के जो रसगुल्ला है, राजभोग है, हरा के खिला के भेज दूंगा। देखिए मैं बार बार 5-6 साल ठीक है, आप रसगुल्ला खिलाइए, आप रसगुल्ला खिलाइए, अनरसा पेठा खिलाइए, जो खिलाइए, हरा के खिलाऊंगा। मैं बता श्री राम के नारे से हरा के खिलाऊंगा। जय श्री राम मतलब मैं हर दिन हर बात, मैं इसीलिए तो मैं भाजपा छोड़ दिया, जय श्री राम को पार्टी का स्लोगन क्यों? मैं तो ये कहना चाहता हूं तुम सीता माता को लेके बोलो, जय सिया राम बोलो। और वही बात दीदी ने बोल दिया और अमित अभिषेक बनर्जी पार्टी के युवा प्रेसिडेंट वो भी बोल दिया। बादल देवनाथ जी भगवान श्री राम को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल, तो इसमें टीएनसी अप्लाई क्यों लगाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई क्यों लगाते हैं? लोग कहते हैं जय सिया राम, जय श्री राम, आपको दरअसल में राम नाम से प्रॉब्लम है। कोई राम नाम से प्रॉब्लम नहीं है, भगवान विष्णु का 10 अवतार है, कल्कि अवतार अभी तक जन्म नहीं लिया, राम अष्टम अवतार है, कृष्ण भगवान नेहा जोशी भगवान आपको चलता रहता आरोप प्रत्यारोप चलता रहता, लेकिन भगवान के नाम को लेकर किसी को कैसे परमिशन दीजिए? भगवान विष्णु का पुनः मन तो राम का पुनः मन तो मैं यही सवाल शमशेर जी यही सवाल तो हम लगातार टीएमसी के नेताओं से पूछते आ रहे हैं और ममता दीदी से खासकर पूछते आ रहे हैं। आज यहां पर देवनाथ जी बात कर रहे हैं कि जय सियाराम क्यों नहीं मिलते। अगर देवनाथ जी ने थोड़ा सा भी हमारे धर्म ग्रंथ पढ़े होते तो उनको पता होता कि जय श्री राम में जो श्री है ना वो श्री देवनाथ वाला श्री नहीं होता है, उसका एक और अर्थ होता है। तो जय श्री राम जो है वो हमारे धर्म का नारा भी है। सॉरी टू से आप झूठ बोल रहे हैं, आपको धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। श्री मतलब अलग है, श्री 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 राम मतलब अलग है। मैंने आपको बताया सियाराम मतलब सिया मतलब सीता माता, ये माता को नाम लेने से पहले राम का नाम लेने से सिया बोलना जाता है, ये धर्म का है। तो आपको आइए ना, मैं वेद का दो चार खंडो है, ऋग साम यजु अथर्व उसका चार चार 16 खंडो, उसके बाद संहिता का 6 और संहिता का 12, वेदांतों का 6 खंडो और 18 पुराण 24 उपपुराण उल्टो पुराण और 2 कापोपुराण। आइए चर्चा करते हैं। मैं विकास जी, मैं विकास जी, पहले जान लीजिए धर्म के बारे में, उसके बाद बताइए। राम का नाम नेशनल चैनल है, टीएमसी राम का नाम नहीं लेगी, टीएमसी कुछ भी हो जाए राम का नाम नहीं लेगी। बिल्कुल लूंगा, सिया के साथ, सीता माता के साथ लूंगा। टीएमसी के द्वारा राम नाम लेना तो इस मुहावरे को सिद्ध कर रहा है, मुख में राम नाम बगल में छुरी। इतने हिंदुओं की हत्या अभी तक बंगाल में राम नाम लेने के कारण हुई है, तो कहीं भी नहीं हुई है। दूसरी बात की राजनीति में जिस प्रकार से अब ये हिंदू पक्ष धरने के लिए राम नाम को धारित कर रहे हैं, आज से कुछ समय पूर्व ये राम नाम सुनने के लिए भी राजी नहीं थे, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, जो वेद पुराण की व्याख्या अभी करने की इच्छा जता रहे हैं, तो मैं इनसे कहूंगा कि अगर राजनीति में वेद और पुराण आपको पढ़ना है तो पहले अपने क्षेत्र में जाकर के पढ़ लीजिए,
ताकि वहां का हिंदू यह संतुष्ट हो जाए कि आप उसके धर्म की आदर करते हैं, राम नाम का आदर करते हैं, आप सीताराम का आदर करते हैं और सीताराम के मानने वालों का जो दर्शन के बारे में बोलते हैं, जो मेडिकल साइंस के बारे में बोलते हैं, उसको पुराण से मत सिखाइए। मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ लेकिन जानता हूँ और इसीलिए बंगाल में सीताराम है आपका क्षेत्र है पूरा दूसरी बार पढ़ने का ऐसे प्रैक्टिस करूंगा मैं। दूसरी बात यह है कि आप पहले पढ़ लिया राम नाम मुख में रखो चाहे मत रखो लेकिन राम को मानने वाले का आदर कीजिए। मैं राम राम लेता हूँ राम को मानने वाले का आदर कीजिए उसकी हत्या मत करवाइए लेता है और राम नाम लेने पर हत्या हो जाती है बंगाल में। राम नाम लेने पर हत्या हो जाती है बंगाल में। सम्मान करते हिंदुओं की सुरक्षा राम के नाम पर हम लोग वोट नहीं मांगते राम के नाम पर चंदा नहीं मांगते। हमारे वहाँ जो बंगाल के बंगाली लोग जो पूजा करते हैं दुर्गा पूजा काली पूजा सरस्वती बादल देवना जी बादल देवना जी आप कहते हैं आप कहते हैं बादल देवना जी हो रहा है बादल देवना जी आप कहते हैं आप कहते हैं ना कि हम सियासत में विष्णु के साथ सियासत में धर्म नहीं लाते आपको सभी भगवान याद आ रहे हैं बादल देवना धर्म याद आ रहे हैं आप कहते हैं ना दीदी भी कहती है कि हम सियासत में धर्म को नहीं लाते तो फिर अचानक से दीदी को तमाम देवी देवताओं की याद क्यों आ जाती है नहीं, एक लाइन से माँ दुर्गा सरस्वती सबका नामों गिनाने लगी आज नहीं मतलब बीजेपी ने मजबूर कर दिया क्या सर मैं आप बीजेपी ने मजबूर कर दिया नहीं 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 आप जानते नहीं है हर साल बचपन से ममता बनर्जी का घर के घर में काली मूर्ति है हर साल हर दिन पूजा करके घर से निकलता है ममता बनर्जी धर्म का जिस प्रकार एक बार ममता बनर्जी को एक बार सुन लीजिए मंच से उन्होंने कैसे एक लाइन से देवी देवताओं का नाम लिया था मंच पे मंच पे जाके देश के हिंदुस्तान के गृह मंत्री को सोवा देता है क्या ये चिल्लाना जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया राम तो दिल में है सर मानी चाहिए इस देश के गृह मंत्री को। ममता दीदी ने मंच से क्या कहा था वो भी एक बार सुन लीजिए। माँ दुर्गा जाने ना माँ काली जाने ना रक्षा काली जाने ना चामुंडा काली जाने ना सिद्धेश्वरी काली जाने ना सर्वमंगला काली जाने ना भवतारिणी जाने ना भुवन मोहिनी जाने ना मन मोहिनी जाने ना मोहा काली जाने ना जौरा काली जाने ना शारदा माँ जाने ना विशालक्षी जाने ना विष्णु माता जाने ना माता दी जाने ना संतोषी माता जाने ना बड़ बड़ कथा हिंदू धर्म हमें जान तो हमें क्यों हिंदू नई तुम्हें हिंदू धर्म शेखा আমরা যে কোনো কাউকে কান ধরে হিন্দু ধর্ম শিখিয়ে দিতে পারি। देखिए नेहा जोशी जी आपने जय श्री राम का नारा दिया ममता दीदी ने कितने देवी देवताओं के नाम गिना दिए आपको। देवी देवताओं की बातें करते हैं और हमारा तो सीधा सवाल यह है कि हम तो जय माँ काली करने में भी उतना ही गर्व महसूस करते हैं जितना जय श्री राम बोलने में, पर दीदी को केवल जय श्री राम से दिक्कत क्यों है? हम तो जय माँ काली भी बोलते हैं मंच और हम ये भी बोलते हैं कि जय श्री राम है। हर एक व्यक्ति का निजी आस्था है, धर्म हर एक व्यक्ति का निजी आस्था है। बच्चे जब जय श्री राम का हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह सरेआम मंच से जो जय श्री राम जय श्री राम करते हैं ये क्या है? 2015 बिहार में जाते हैं तो वो पाकिस्तान उनको याद आ जाता है, गुजरात में जाते हैं तो मियां अहमद पटेल याद आ जाता है और बंगाल जाते ही श्री राम याद आ जाते हैं और कुछ देर के बाद कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान की एंट्री होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। ये भाजपा वाले पाकिस्तान का डर दिखाएंगे, हिंदू मुसलमान का डर दिखाएंगे। अरे ऐसे ही सोनार बंगला बनाएंगे आप, ऐसा ही सोनार बंगला का वादा करते हैं। सोनार बंगला तो बना नहीं पाए, हिंदुस्तान में 6 साल से आप शासन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें जिसका ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो, जिसका विकास दर पॉजिटिव हो? नेहा जोशी बताइए, चाहे वो कृषि विकास दर हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हो, बेरोजगारी दर हो, भुखमरी हो, आप बताइए ना, आप बताइए कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारे देश का ग्रोथ रेट पॉजिटिव है? समीर आलम कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं।
पाकिस्तान के बिना हिंदू मुसलमान के बिना नहीं रह सकते हैं। इन लोग का यूएसपी बन गया है। सर मानी चाहिए कि हम पाकिस्तान में समीर आलम जरा ये बताइए ना, भगवान श्री राम के नाम से प्रॉब्लम है क्या? कांग्रेस को भी प्रॉब्लम है क्या? सियासत को अलग रख दीजिए क्योंकि देखिए अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रचार में चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, श्री राम के नारे के इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमने लगी है। क्यों? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है, भगवान श्री राम के नाम से क्यों सियासत हो? आखिर क्यों? इलेक्शन का मुद्दा भगवान श्री राम का नारा नहीं, इलेक्शन का मुद्दा है बेरोजगारी, इलेक्शन का मुद्दा है कि आज अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, इलेक्शन का मुद्दा है कि छात्रों को कैसे उनको अच्छा ये मिले, इलेक्शन का मुद्दा कुछ और है। बहुत अच्छी बात समीर आलम आपने कही, समीर आलम बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात बताइए ना आप और लेफ्ट ने मिल करके किस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, और अगर उठाया तो आज आपकी क्या गत है? के लिए सिर्फ श्री राम जी का नाम क्यों लिया जाता है? अरे भैया इन लोगों को कोई काम नहीं है, डर लग रहा है, यूएसपी बन गया है, क्यों डरे हुए इन लोगों का? यूएसपी बन गया है, क्यों डर लगता है? इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए मजबूरी बन गई है, नहीं उठाना चाहते हैं भगवान राम से डर, क्योंकि वोट बैंक में जो सुनवाई हो रही है ना, क्यों डर है? इसी वजह से सारा खेल चल रहा है। भगवान राम तो निजी आस्था है, विकासवाद की राजनीति आस्था की नहीं है, धर्म का लोगों का निजी आस्था है, रक्त रंजित की राजनीति चाहिए हमारे देश को। अभी तो डरे हुए और सामने है ना, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, धर्म को चुनावी धर्म का पाठ पढ़ाएंगे, धर्म का पाठ पढ़ाएंगे। अरे कलमा पढ़ने वाले धर्म का पाठ पढ़ाने लगे, बेरोजगारी पे बात कीजिए, धर्म का पाठ पढ़ाएंगे, ये कलमा पढ़ने वाले भरी सभा में, भरी सभा में कलमा कौन पढ़ती है? वो ममता बनर्जी, ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होते हुए कलमा पढ़ती है। और ममता बनर्जी एक बयान आपको सुनाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं बंगाल, एक सेकंड सभी मेहमानों से एक सेकंड सुन लीजिए ऋषि मिश्रा जी शांत हो जाइए एक सेकंड। बंगाल में चुनाव में संस्कृति क्यों मुद्दा बन गया है, इस पर अमित शाह ने कहा बम धमाके बंगाल की संस्कृति नहीं थी, चुनावी हिंसा बंगाल की संस्कृति बिल्कुल नहीं थी, परिवारवाद यहां की संस्कृति नहीं थी, लेकिन ये सब यहां पर हो रहा है इसलिए ये चुनावी मुद्दा बन गया है। कंजर्वेटिव माइंडसेट से राजनीति चलाना ये बंगाल की संस्कृति नहीं थी, परिवारवाद चलाना बंगाल की संस्कृति नहीं थी, संस्कृति का हास हुआ है इसीलिए बंगाल की संस्कृति चुनावी मुद्दा बनी। देखिए बादल देवनाथ जी, अमित शाह कहते हैं कि ये परिवर्तन जो है हम ऐसा नहीं चाहते कि ममता बनर्जी के खिलाफ हमारी कोई खुंदस है या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ हमारा कोई विरोध है, यहां बंगाल में जो कुछ नहीं हुआ इसलिए हम यहां पर चाहते हैं कि बदलाव हो। वो कह रहे हैं परिवर्तन और ये हमारा परिवर्तन, अमित शाह भारत के संस्कृति को समझते ही नहीं है। नहीं बांग्लादेश भारत के संस्कृति का जो समर्थन करे वो संस्कृति को भारतीय संस्कृति को बंगाल का विकास कर लिया मुझे बांग्लादेश एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है वहाँ से, और सारे आप देखेंगे जैसे बीजेपी ने सरकार आई घुसपैठ की ये बांग्लादेश में घुस जाएंगे, ये आप देखने को मिल रहा है। और आज क्रोध रेट कहाँ है बंगाल का? लेबर माइग्रेशन में नंबर वन क्यों है ये? जितना सीएम है लेबर माइग्रेशन में नंबर वन क्यों है? बादल देवनाथ में आपसे पूछना चाहता हूँ, वही सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा बताइए, और वही जब मुझे बात बताइए ना बादल देवनाथ जी सेंटर की नीतियों को लागू करने में ममता बनर्जी को प्रॉब्लम क्या है मुझे बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात है पूरा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जयश्री राम का सवाल, मेरा सीधा सवाल है आपसे,
देखिए सियासत अपनी जगह चलती रहेगी, जो केंद्र की योजनाओं का फायदा स्टेट की पब्लिक को मिलना चाहिए उसे क्या प्रॉब्लम है। मुकुल राय हो, ये सारे के सारे आज विधायक सांसद मंत्री राजीव बनर्जी जैसे लोग क्यों भाग गए? प्रत्युष भाई मुझे जवाब क्यों नहीं आपके पास? कट मनी अब तो कट मनी आ जाएगी सारी। एक सेकंड में ऐसा कर रहा हूं मैं, राजीव बनर्जी जो किया है, राजीव बनर्जी जो किया है, मैंने उनको किया है। राजीव बनर्जी ने नौकरी के लिए हजारों लोगों को लाइन में दिया, गवर्नमेंट ने जो 60-70 में विकास किया, सुवेंदु ने बोला जो लोग मांगते हैं। ममता दीदी के नाक के नीचे घोटाला चल रहा था तो ममता दीदी ने रोका क्यों नहीं? अब आपके पार्टी छोड़ के चले गए तो कह रहे सारे के सारे घोटाले बात। नहीं तो ममता दीदी ने रोका क्यों नहीं? ममता दीदी की नाक के नीचे अगर आपके ये तमाम मंत्री घोटाला कर रहे थे उस वक्त जुबान खामोश क्यों थी? उस वक्त जुबान खामोश क्यों थी? उस वक्त क्यों नहीं बोला? पार्टी छोड़ के चले गए तो आप कह रहे सारे के सारे घोटाले बात थे और इसलिए ये लोग चले गए और पार्टी का सूती को वाह देवनाथ साहब वाह। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए शंखनाद में बहस चलती रहेगी। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल लौटेंगे। आप देखते रहिए जय हिंदुस्तान, छोटा सा ब्रेक जल लौटेंगे। आप देख रहे हैं शंखनाद और बड़ी खबर इस वक्त अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है, बंगाल में राजनीतिक हिंसा करने वाला कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा, जो भी हिंसा में आरोपी होगा उसे जेल भेजा जाएगा। यह कहा है अमित शाह ने, सुनिए क्या कहा उन्होंने। आपने कांग्रेस और राहुल गांधी पर इतना ज्यादा समय लगा दिया कि उसकी वजह से ममता बनर्जी और बाकी के जो क्षेत्रीय नेता हैं और दल हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। ममता बनर्जी इतनी मजबूत हो गई कि वो सीधे आपको टारगेट करती हैं, सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करती हैं। राजनीति में स्वाभाविक रूप से जो ओपोनेंट होंगे इसके खिलाफ कोई भी दल बात कर सकता है, कोई भी राजनेता बात कर सकता है, बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन आपके 130 वर्कर्स की हत्या करने की हिम्मत और किसी की नहीं हुई किसी और राज्य में? देखिए अगर आप इसको अचीवमेंट मानते हैं तो ठीक ही है, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसा कर अपने आप को जो लोग सुरक्षित मानते हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस सारी घटनाओं की तह तक हम जाएंगे, जांच करेंगे और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है वो सारों को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे। ये आप कह चुके हैं लेकिन इससे आगे का मेरा सवाल ये है कि क्या उस जांच के दायरे में ममता बनर्जी स्वयं भी होंगी? मैंने कहा ना जो जो रिस्पॉन्सिबल है वो सभी होंगे। बादल देवनाथ जी, राजनीतिक हिंसा का जिक्र किया गृहमंत्री ने और अपनी जनसभाओं में भी कहा 130 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए और ये सब कुछ टीएमसी के गुंडों ने किया। आपने खुद सुना अमित शाह जी अभी कहा 130 कार्यकर्ता जो हत्या हुआ उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, खुद अभी कहा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, पूरे देश को जी हिंदुस्तान माध्यम से कहना चाहता हूँ, धर्म का बात जो बार बार कहते हैं, कपिल मुनि आश्रम में गया, कपिल मुनि पूजन दिया, भारत सेवाश्रम में गया पूजा दिया, लेकिन गंगा मैया के ऊपर पांव रख के जो बंगाली हो पूरा देश में हो जो धर्म जानते हैं उसको जब जानते हैं गंगा में नहाने के बाद कपिल मुनि आश्रम में जाके भगीरथ भगवान भगीरथ और कपिल मुनि को पूजा किया जाता है, लेकिन नहाया तो नहीं। जो इस ड्रेस में वो दिल्ली से बंगाल आया उसी ड्रेस से उठी ड्रेस में कपिल मुनि आश्रम में गया पूजा दिया और गंगा मैया के ऊपर पांव रख के घूम के देख के और पूजा देके भारत सेवाश्रम में पूजा देके चलाया, लेकिन गंगा में नहीं गया और हम नहीं पूजा नहीं किया। और हम लोग क्या कहते हर तीर्थ तो बार बार गंगा सागर एक बार, हम सब कहते हैं पूरा दुनिया कहते हर तीर्थ तो बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन अमित शाह जी खुद कल गंगा मैया को अपमान किया, पूरे बंगाली पूरे देश के जो लोग भक्ति रखते हैं मन उन सभी लोगों को अपमान किया, खुद अमित शाह जी को अपमान किया और वही लोग राम के नाम पर वोट करते हैं, राम के नाम पर वोट करते हैं, विकास शर्मा जी
प्रत्युष भाई एक जैसे श्री रामचरितमानस में सीता माता का हरण करने के लिए रावण मुखोटा लगा करके आया था साधु के वेश का, इस समय टीएमसी ने वेश धारण कराया अपने आप को राम का भक्त साबित करने का। उसी प्रकार से ये पूरे बंगाल में नंबर वन पर है टीएमसी करप्शन में, नंबर वन पर है अशिक्षकता में, नंबर वन पर है धर्मांतरण में, नंबर वन पर है। अरे भैया गुजरात समीर आलम देखिए, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब मुझे बादल देवनाथ जी से नहीं मिला कि क्या बीजेपी टीएमसी के बीच में हिंसक झड़पें नहीं हो रही है, क्या उनके मंत्री पर अटैक हो जाता? आप कहते हैं कि साहब यहाँ कुछ नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, आप कर क्या रहे हैं फिर? बीजेपी ने वही कहा था कि जब वो लोग टीएमसी में थे, राजनाथ सिंह जी ने धमतल्ला कलकत्ता में कहा था कि भाग मुकुल भाग, आज कह रहे हैं आ मुकुल आ गले लग जा। बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि सारे अपराधी इनके पार्टी में जब जाते हैं तो धूल के साधु हो जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है? और टीएमसी वालों से मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या प्रासंगिक नहीं रहे हैं? टीएमसी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं आप, बताइए क्या हिंसा नहीं हो रही है बंगाल में? जो आए दिन हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिनका हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक इलेक्टेड एमएलए को कुर्सी पर चढ़ा दिया जाता है, घर के बाहर डाल दिया जाता है, क्या आपको ये नहीं दिखता? आप टीएमसी की बी टीम बनकर जो वहाँ काम कर रहे हैं, आप बताइए आप किस तरफ है? आप इस हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं? किस उम्मीद से आ रही है? जो किसानों का मसला हल नहीं कर पा रहे वो बंगाल में क्या करने आ रहे हैं? तो बोलिए ना अपने साथी टीएमसी को कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बंगाल के किसानों को भी करने दे, क्यों नहीं बोलते समीर जी आप बोलिए अपने टीएमसी के साथी, 6,000 रुपया जो सीधा बंगाल के किसानों को मिल सकता है, 75 लाख से ऊपर किसानों को वंचित रखा जा रहा है। सुनिए आवाज उठाइए ना किसने फेंका करने के लिए आप बंगाल में किसके साथ जाना चाहते हैं? जो बंगाल में रथ रंजन के लिए इतिहास सभा है, 34 सालों तक एक इतिहास सभा है, 34 सालों तक वामपंथी ने क्या किया था? रथ रंजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज ऋषि मिश्रा नेहा जोशी कह रही है कि कांग्रेस तो टीएमसी की टीम है, और यहाँ पर बादल देवनाथ कहते हैं अधीर रंजन चौधरी का इतिहास निकाल कर देख लीजिए। दृष्टि कौन से देखा जाए, आज वो वामपंथी के साथ जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि आज आपका अस्तित्व नहीं है। अरे चुप रहिए, बात कर रहे हैं आप, हिरण पांड्या को देख रहे हैं, बंगाल में 130 कार्यकर्ता बीजेपी के मारे जाते हैं, आपको दिखता नहीं है? कार्यकर्ता मारे जाते हैं, आपको दिखता नहीं है? वो हिरण पांड्या 60 सालों में जो बर्बाद कर दिया कांग्रेस, उसको वो दिखता नहीं है? जो साधुओं की हत्या कर दी जाती है, सरेआम गोली मार दी जाती है, उस समय आपको इंदिरा गांधी के सरकार में क्या किया गया था? साधु राम भक्तों के साथ क्या किया गया था? मुलायम सिंह यादव के सरकार में क्या हुआ था उसका उस समय आपको याद आता है? उछलने से आप, उछलने कूदने से बंदर की तरह जो भांति आप उछल रहे हैं, उससे आप
फर्जी वाला जो कांग्रेस ने किया आज तक विपक्ष ने किया उसको आप साथ नहीं कर सके। आप तर्क और तथ्य रखिए, बताइए राहुल बाबा से जाके पूछिए और कांग्रेस से पूछिए वो क्या इतिहास रहा है। रिंकू सिंह की हत्या, रामबाबू की हत्या हो जाती है, अरविंद केजरीवाल का मुंह नहीं खुलता उस पे, कांग्रेस की सत्ता दिखा, अरविंद केजरीवाल का मुंह नहीं खुलता है और वो ट्वीट फर्जी ट्वीट करता रहता है। वो दिल्ली में पुलिस की दिशा जो देशद्रोही दिशा, देशद्रोही दिशा के ऊपर तुम ट्वीट करते हो। नेहा जोशी जी आपने कहा कि कांग्रेस टीएमसी की भी टीम है, टीएमसी कह रही है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की भी टीम है, ये ए टीम बी टीम यही चल रहा है पश्चिम बंगाल में। नेहा जोशी सारे टीम की जरूरत नहीं है, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम धर्म के साथ भी खड़े हैं। हमें किसी का डर नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता आकर में बोलेगा कि जय श्री राम नहीं बोलना है तो हम नहीं बोलेंगे। हम जय श्री राम भी उतनी जोर से बोलेंगे, उतनी बुलंदी से बोलेंगे जितनी बुलंदी से जय मां काली बोलते हैं। हम बंगाल के किसानों की लड़ाई भी वैसे ही लड़ेंगे जैसे हम बंगाल के श्रमिकों की लड़ाई लड़ते हैं। ममता बनर्जी ने जब ट्रेनें बंद कर दी थी, ट्रेनों की परमिशन नहीं थी बंगाल आने के लिए कोविड लॉकडाउन में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो खड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। आज बादल देवनाथ जी यहाँ आकर बंगालियों के हितैषी बन रहे हैं, क्या जानते हैं बंगाल के कल्चर के बारे में? आज कह रहे की जय श्री राम बंगाल में नहीं चलेगा, क्या जानते हैं बंगाल के कल्चर के बारे में? किसी भाषी रामायण के बारे में सुना आपने? आज भी बंगाल के घर घर में उसका वाचन होता है, जानते हैं आप उसके बारे में? काली महाकाली काली के पापुड़ारी काल राति मोहराती नारायण नमस्ते ओम सर्व मंगल मंगोले सी बे सर्वात साधिके। मंत्र रट के आने से कोई फायदा नहीं होगा, दिल में होने चाहिए भगवान, दिल में। दुर्गा दुर्गा करते हैं नेता भी और आपको भी आज धर्म याद आ रहा है। सरस्वती पूजा जब बैठ कर जाइएगा और एक बार भाई बता दीजिए मंत्र के लिए आप मंत्र के द्वारे से धर्म याद आएगा। बहुत बढ़िया तो ममता दीदी को बोलिए ना कि जब इतना सब कुछ आपको पता है, इतना पाठ चालीसा पता है, जय श्री राम भी बोल दिए, जय श्री राम भी बोल दीजिए ना, ये ममता दीदी को बता दीजिए ना, ममता दीदी को बता दीजिए। चुनाव आया 18 विधानसभा क्षेत्रों के 125 जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हम सब पार्टी का स्लोगन नहीं देते और हम सब कहते हैं के नाम से सीता माता को लेकर हम लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम नहीं सिर्फ राम नहीं माँ को लेकर नहीं सीता माता अभी भी कह रहे हैं जय श्री राम नहीं, फिर कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं, फिर वही बात कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, ये कह रहे जय श्री राम नहीं कहेंगे, जय श्री राम नहीं कहेंगे, माता को लेकर आइए हम सब चाहते हैं सीता माता को लेकर जय श्री राम बोलिए। रिंकू शर्मा की हत्या पे मोर्चे पश्चिम बंगाल में आने को हिंदुओं के मन पर मोर्चे आज ये सब मुझे नहीं मुझे नहीं अपने आपको मिश्रा और ऋषि मिश्रा करने वाले मौलवियों को गाते रहते हैं। मुझे बांग्लादेशी घुसपैठी कहाँ से जाते हैं? फिर दोस्त अरे यहाँ पे अरे मत तो गाना के सिखाइए ना, मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है मंत्र क्या होते नहीं होते। ढोंगी अरे ढोंगी तो वो होते हैं जो आज हिंदू होते हुए कलमा पढ़ती है और आप भगवान राम के नारा लगाने पे क्या हो जाता है वहाँ पे? खाल उधेड़ दूंगी। आपकी इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई? खाल उधेड़ देंगे आप? मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान में रहते हुए कोई किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। अरे किसी की हिम्मत, अरे छोड़िए, मुझे लगता है एक सेकंड ऋषि मिश्रा जी कोई ट्वीट नहीं निकाला, ऋषि मिश्रा जी ये बहस चलती रहेगी सियासत में आरोपों की फेरिस्त कभी खत्म नहीं होती। मुझे लगता है कि जय श्री राम के नारे से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऋषि मिश्रा जी रिहाना के पैर भी एक सेकंड मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। बादल देवनाथ जी जय श्री राम। चलिए सब कोई कह रहे हैं जय सियाराम, जय श्री राम।
जय श्री राम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए देखिए, मैं लक्ष्मी माता को ये कहता हूँ, देखिए जय श्री राम नहीं कह रहे, जय श्री राम नहीं कह रहे, महान विकास जी तो कह रहे हैं। ओम नमस्ते सर्वदेवानंग बड़ोदासी और पे, जल्दी से जल्दी से ऋषि मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा जी करके साधु का भेष तुरंत धारण कर लेता था। उसी समय टीएमसी ने समय साधुओं का भेष धारण कर लिया है। ये वही सब लोग हैं जो बाल घर की संतों की हत्या पे मोल रहे, ये वही सब लोग हैं जो कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों के प्लान पे मोल रहे। एक सेकंड, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये देखिए इस बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन जब भगवान नाम आता है, भगवान राम का नाम, तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। जीवन की शुरुआत और जीवन का जब अंत होता है तब लोग राम का नाम लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं तो आज इस डिबेट में इस मंच पर भी खुलकर आप कहिए, खुलकर आप कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बात वही है, आप अगर धर्म को सियासत के बीच में लाएंगे, ये घालमेल करेंगे, तो इसी तरीके से वाद का विवाद होगा। अगर इसको इससे अलग रखेंगे किसी को कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंखनाद में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक 10 मिनट के बाद फेसबुक पेज पर आपसे मुलाकात होगी, जहां पर आप होंगे हमारे मेहमान, आपकी राय और आपके सवालों का स्वागत रहेगा।